वेलकम टू फ्यूचर ट्यून कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग जो डेसिमल का टॉपिक है उसकी डिफ़िकल्टीज़ पे काम करेंगे। तो आप सब लोग उनको देखेंगे अपनी क्लास में, अपने पेपर्स में, और जो डिफ़िकल्टीज़ है उन पे आप लोग उनको जो है यूट्यूब पे देख के काम करेंगे। शुरुआत करते हैं। आइए, प्रॉब्लम नंबर 52 नंबर पे देखिए। आप लोग कहता है 1/3.718 = 0.2689। तो 1/0.00037 बराबर क्या होगा? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इस इक्वेशन का प्रयोग इसमें आपको जरूर करना होगा। कैसे करना होगा वो मैं आपको समझाता हूं। यहां कितने अंकों पर डेसिमल है, तो आपको यहां भी 3 ही अंकों पर डेसिमल को लाना आएगा। कैसे? एक क्या गए, 1, 2, 3, 4 0 लगा दो तो डेसिमल यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब ये बताओ, इस बात में और इस बात में कुछ अंतर है क्या? इससे कट के 0.2689 आया, तो मैंने भी इससे कट के 0.2896 लिख दिया। अब गुणा किसकी करूंगा? 10,000 की। जैसे 10,000 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 अंकों पे से दशमलव हट जाएगा, 2689। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फील हुई हो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। सवाल नंबर आता है 55। कितना? 55। यस, 55 नंबर कहता है 21 की पावर 3.47 = 21 की पावर x। बच्चों याद करो, मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, अगर याद हो भैया, अगर a की पावर m भाग a की पावर n लिखी है तो इसको a की पावर m माइनस n कह सकते हैं। भाई हम भाग भी तो लिख रही बात, नीचे तो ऊपर ले जाओगे, पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यानी कि 21 की पावर 5.236 माइनस 3.47 बराबर 21 की पावर x। बेटे बेस यहां भी 2, 21 है और बेस यहां भी कितना है? 21 है। घातों की तुलना करने पर यानी कि x बराबर 5.36 माइनस 3.47, जो भी आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी क्या? तरीका सीखना। नेक्स्ट वन सर, सवाल नंबर आता है 53। यस बेटे, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है 185 × 28 = 15180 हो तो 5 1.8 / 18.5 = क्या होगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले तो इसको सिस्टम में लगा देता हूं। अगर आप जान ले इसको 28 = 5180 / 185 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? इस वाली चीज को क्या लिख सकता हूं? 5 1.8 / 18.5। बच्चा लोग, यहां कितने अंक पे दशमलव है, यहां कितने पे है? डेसिमल हटा के यहां ले आता हूं, इसका भी खत्म और इसका भी खत्म। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी? अच्छा, अभी मेरे सामने एक दिक्कत थी, यहां 5180 लिखा हुआ है और यहां 518 लिखा। ऐसी सिचुएशन ला देता हूं जो कोई आपको टेंशन ही ना आवे। ऊपर 10 तक गुणा कर दी, नीचे भी 10 तक गुणा। इससे मैं इसको जैसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 28। और भैया 10 से इसको जैसे भाग दूंगा कितना आएगा? 2.8। नो बताओ, किसी बालक को कोई समस्या फील हुई क्या? अरे समझ में आई क्या बात बेटे? पक्कम पक्की बात है? कोई मन में दिक्कत है क्या? रिमूव कर दे। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर आता है 60 नंबर। कितना नंबर? 60 नंबर क्वेश्चन आता है 60।
कहता भैया 0.23 माइनस 0.023 बाई 0.0023 भाग 23 ऐसे लिखा हुआ है। भैया इस सवाल को करने में प्रॉब्लम आपको क्या आई? मेरे विचार से सीधा सीधा सवाल हल कर लेना चाहिए था, इसमें से इसे घटा लेते और घटा दो आई 0.23 में से 0.023 माइनस कर देता हूं 7.02 इसका आंसर आ 0.207। नीचे इसको मैं क्या लिखूं 0.0023 बटे 23 राइट। अब अगर आप चाहे तो स्टेज को यहां ले जाओ, नहीं अंते इसको काट दीजिए, 1 23 ही कम 4 अंकों पे दशमलव, कोई दिक्कत लग रही? यानी कि इसके सिचुएशन आ गई 207 बट 0.207 0.001 राइट। भैया यहां 4 अंकों पे दशमलव, ऊपर कितने पे? ले भैया ऊपर भी कितने पे? डेसिमल से डेसिमल खत्म। 1 से इसको भाग दोगे तो क्या आएगा 20 70। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी क्या? नहीं लगी। सवाल नंबर आता है 62, 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन बहुत आराम से थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। 47.2506 बराबर 4a प्लस 7/b प्लस 2/c प्लस 5/d प्लस 6e हो तो, पहले तो इस हो तो को देखेंगे, आगे की कहानी तो फिर करेंगे, पहले इसी बात को समझेंगे खेल क्या है यहां। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये 4a 4 कौन से अंक पर रखा है? सैकड़े पर रखा गया, सॉरी ढाई पर रखा गया। यानी कि अगर मैं 4a के बराबर 40 लिख दूं, कोई समस्या है आपको? नहीं समझे भाई? अगर 47 को आप एक्सपेंड 4 में लिखो तो क्या लिखा जाएगा? 4 × 10 + 7। मैंने क्या करा, 4a को क्या लिख दिया? 40 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? डाउट है कहीं कोई? नो। अब कहानी नंबर 2 आई, इनने कहा 7/b बराबर 7। मैंने कहा 7/b बराबर किसके? 7 के। 1/b बराबर किसके? 1 के। अर्थात b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इतनी बात सीखने लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी? कहानी नंबर 2 पे आया, यहां लिखा 2 और यहां लिखा 2c, लिखा 0.2 और बराबर लिखा 2c। और इसको भी दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान लगा के देखना, 0.2c बराबर 2/10। 2/10 का मतलब समझ में आया सारे? 2 लिखा मैंने 2/10, दशमलव लग रहा था उसे हटा दिया, यानी कि 2 तक 2 गया। c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। 1/10 जहां लगना वहां एक अंक में दशमलव जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो बताओ? नहीं। अब बेटे 5/d बराबर 5/d बराबर किसके? 5 के। 5/d बराबर किसके? 5 के। 5 तो 5 गया, d बराबर किसके? 1 के। d बराबर किसके? 1 के। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लग रही हो बताओ? उन्होंने कहा 5/d। मैंने कहा 5 यहां लिख रहा था कि नहीं? 5/d की वैल्यू किसके? सॉरी 5/100 के बराबर। थोड़ा सा मैं दोबारा, सॉरी 5/d की वैल्यू किसके बराबर है? 5/100 के बराबर है। किसके बराबर है? 5/100 के बराबर है। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि d की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 100 के। कोई दिक्कत लगी क्या? ये वाली क्या 6e किसके बराबर? 6e के। अब देखो e मैं लिखू 6e बराबर 6/10,000 6/10,000 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1/10,000 के आ गई। पहले नु बताओ ये सारी बात समझ में आई क्या? हाँ 47 नहीं हुआ, मैंने जो सिखाया 47 है। 47 को तो एक्सपेंड 4 में लिख, 47 को एक्सपेंड 4 में लिखेगा 4 × 40 = 7 = 47। यू ढाई पे है, ढाई पे है 4, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 40 के बराबर है। क्लियर?
तो अरयू इकाई में सात, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? सात के बराबर है। अलग अलग हमने एक्सपेंड फॉर्म को कहीं में चेंज कर लिया, बी में चेंज कर लिया, उनने हम तो कहीं में मान रहे इकाई ढाई सैकड़ हजार में, उनने भाई साहब इसे क्या कह दिया, ए को कह दिया ढाई कांक है, बी को कह दिया इकाई कांक है, सी को कह दिया दशमलव वाला पहला है, डी को पलाना, ई को ऐसे उसने हमको बता दिया, उनने अलग अलग डोनेट कर दिया। अब थोड़ा सा टिपिकल है बात, अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, क्या पूछे भाई बताइयो, 5a प्लस 3b प्लस 6c d प्लस 3। अब मैंने सबके मान काट रखे, यहां काट रखे, तो अब शुरू करता हूं, 5a की वैल्यू कितनी है 10, तो भैया 50 तो हो गए, एक प्लस बी तीन बी, बी की वैल्यू कितनी है भैया एक, बी की वैल्यू एक है, बी की वैल्यू कितनी एक, तो भैया प्लस तीन, बी कम तीन कम तीन, प्लस सी की वैल्यू कितनी है एक बटे दस, तो भैया 6/10, 6/10 का मतलब 0.6, प्लस डी, डी की वैल्यू कितने निकल गया 100, मैंने कहा प्लस 100, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू 1/10,000, तो भाई 3/10,000, 3/10,000 को धरवाइयो, 1, 2, 3 ये आ गया। अब मुझे इसको जोड़ के बताना, 100 तो पूरे दशमलव में तो नहीं, 50 ये, 3 ये 153.6, और वो तो कोई नहीं यूज तो है 0.03, 153.6003। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम समझ में ना आई हो, मैंने आपको बताया, उसको देख सकते हैं आप फिर दोबारा से, क्लियर, रिमूव कर दें, नेक्स्ट वन। सवाल नंबर 63, 63 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 की पावर 0.25 गुणा 125 की पावर 0.25 बाई 256 की पावर 0.10 गुणा 256 की पावर 0.15। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से आप समझेंगे, कोशिश ये करो कि बेस यहां भी 5 आ जाए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया यदि a की पावर m गुणा a की पावर n होगी तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी, m प्लस n हो जाएगी, घाते आपस में जुड़ जाएंगी, m प्लस कितनी हो जाएंगी n हो जाएंगी। अब आप देखेंगे 5 की पावर 0.25 गुणा 5 की पावर 25 को, 5 × 25 = 125, 5 की पावर 3 × 0.25, बेटे इस पे खेल शुरू करता हूं, 4 × 16 = 64 × 256, 4 की पावर 4 × 0.10 गुणा 4 की पावर 4 × 0.15। बच्चों समझ में आई गई बात बेटे? अब मेरे बच्चों बेस समान हो गए, घातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घाते जुड़ जाएंगी, अब घाते जुड़ जाएंगी तो आप देखेंगे 25 × 0.75, दोनों को जोड़ूंगा 5 की पावर 1.00 बटे 4, 10 × 6 और 15 × 4 की पावर भी कितनी हो जाएगी 1, अर्थात 5/4 इसका आंसर। किसी बालक को अगर कोई समस्या फील हुई हो मुझसे पूछ सकता, कोई समस्या? सवाल नंबर आता है बेटे 64, 64 नंबर क्वेश्चन, नुके 6.25 की पावर 1/2 गुणा 0.01144 की पावर 1/2 प्लस 1/0.27 की पावर 1/3 गुणा 1 की पावर 1/4। मुझे नहीं लगता इसमें कोई टिपिकल जॉब हो, बस हम लोग थोड़ा सा साथ या तो डर रहे या फिर हम इसको कर नहीं पा रहे, समझे? 625, 25 की पावर 2, 25 की पावर ही 2 होती है, 25 × 6 = 25, भैया 25 की पावर 2 × 1/2 गुणा भैया 144 को, 12 की पावर 144, 0.12 की पावर 2 × 1/2 प्लस 1, नु बताओ इतनी बात सीखने लगा कोई प्रॉब्लम लगी क्या?
पक्का 27, 27 के ऊपर 0.3 की पावर 3 गुणा 1/3 क्या सी 3 की पावर 4 गुणा 1/4 मुझे लगे 3 ते 4 ते 4 कैंसिल, यहां लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक काम चल रहा। हाँ भाई कहा, अच्छा सॉरी, कोई डाउट आया तेरी बात सीखना है? नो। अब आप देखेंगे मेरा अगला जो स्टेप होगा 2.5 की पावर 1 गुणा 0.12 की पावर 1 जमा 1/3 की पावर 1 सॉरी 0.3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 इब तो कर लोगे, स्टेप क्या कुछ रहेगी सड़क, इन दोनों की गुणा जमा यू इन दोनों की गुणा जो कुछ आऊगा काट पीट देना। बोलो कोई समस्या है क्या? क्लियर। सवाल नंबर 67, सवाल नंबर 67, यस 67 नंबर क्या कहता है? 1212/0.5=6.06 गुणा एक्स। बेटे आप पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं ऐसे सवाल से, इसके नीचे 100 लगा दूं क्या? यू डेसिमल कट जाएगा। अब देखो 612 था दो बार साहब, 612 दो बार ही तो कट जाएगा। ओके अब ये पॉइंट लगाया, एक जीरो लगा दूं जो भी खत्म, 5 × 20 हमको किसका मान निकालना है? एक्स का। 100 भाग में लिख रहा है कहीं मजा का, एक्स बराबर 100 × 4। इतनी बात सीखने लगो, कोई समस्या लगी हो बताओ। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर 70, बहुत आराम से, वैसे कोशिश नहीं कर रहे बेटे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे चीजों पे। मैंने इस तरह के सवाल आपको समझाए, 1.3 गुणा 7.9 माइनस 1.3 गुणा 6.9। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आप अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि पहले लाइन ए बी रे सी पे लिख रही, ए बी और ए सी हो तो क्या करोगे? रो ए को कॉमन ले लेते हो कि नहीं ले लेते हो? ए को कॉमन ले लेते हो। अब भाई साहब ए को कौन है इसमें? 6.5, 4.7 प्लस 5.3 बटे 1.3 कॉमन ले लूं, 7.9 माइनस 6.9। भैया कितने अंक ऊपर तो समझो, नीचे कितने पे? डेसिमल 13/5 बटे 4.7 में 5.3 जोड़ोगे 5 × 10 और नीचे तो क्या रहेगा? 1। अर्थात उत्तर कितना आ गया? 50। नंबर 75 नंबर नुगे, वैसे तो ऐसा सवाल मैंने सिखाया फिर भी मैं दोबारा बताता हूं, 4137 / 1.75 = 2364 और 4137 / 17.5 = ? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, 4137 / 1.75 = 2364 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बेटे 4137 / 17.5 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बच्चे यहां कितने अंकों पे डेसिमल है? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं क्या करूं, पहले जितने अंकों में यहां दशमलव है उतने पे यहां ले आऊं। आसान सा तरीका, एक अंक ऊपर वाला भी इधर को खिसका दो और एक अंक नीचे वाला भी इधर को खिसका दो। खिसका दिया तो भैया नीचे दशमलव जितने आ गया, आ गया क्या? एक के आगे 3 जीरो लगा दी, यू डेसिमल हट गया क्या? अब नु बताओ जैसी बात यह थी ऐसी होगी क्या? ए इसका मतलब इस तरह अगर इसे मैं काटूंगा 2364 वाई कटेगा कि नहीं कटेगा? कितनी जीरो नीचे? जी इसे भाग दोगे तो कितने अंकों पर दशमलव चला जाएगा? कोई डाउट? पक्का? सवाल नंबर 78 सेम क्वेश्चन है भैया, कोशिश करोगे तो लिखा लिखा ही है। 80 नुगा 4/5 3/8 2/3
एक बटे दो में कौन सी भिन्न घटते क्रम में है, घटते क्रम में है, यानी कि सबसे पहले में सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। दो तरीके हैं सवाल को करने के। ये जब छोटी छोटी संख्याएं हो ना, इन स्थान को हम जमा नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? या तो आप हर बराबर कर दो या फिर इनके अंतर लिख दो। चार बटे एक अंतर याद है क्या लिखना? अंश तो अजित, हर की जगह अंश और हर का अंतर, कोमा तीन बटे पांच, कोमा दो बटे एक, कोमा एक बटे एक, राइट। पांच यूनिट टेंशन दे रहा, एक का चार कितनी बार कटा? चार बार। एक तो दो कितनी बार कटा? दो बार। एक तो एक कितनी बार कटा? एक बार। इस तक और नाम जाने देखो, सेटिंग दशमलव लगा के उतार ली जीरो, पांच छंग तीस। मेरे को कौन सा क्रम चाहिए? बड़े थे छोटा, बड़े थे इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा है? चार है क्या? चार वाला किसका मान है? चार बटे पांच, फिर दो, दो बटे तीन, फिर एक बटे दो, फिर तीन बटे, ये मेरा घटता क्रम। किसी को कोई समस्या लगी हो पूछ सकता है हमसे। बिल्कुल पॉइंट में काट लो, हर बराबर कर लो, जहां जहां जिसका उचित लगे मामला वो उसी तरीके से करो। यहाँ छोटी संख्या लिख रही थी, यहाँ पंद्रह लिखा रहता, अठारह लिखा रहता, तीन लिखा रहता, बारह लिखा रहता, ग्यारह लिखा रहता, बारह लिखा रहता, तेरह लिखा रहता, चौदह लिखा रहता, तो आपको यहाँ पॉइंट में निकालने में थोड़ी समस्या हो सकती थी। लेकिन अगर यह बात आप समझ गए तो पंद्रह में तो चौदह जाएगा, एक ही बचे, चौदह बटे एक, तेरह बटे पांच, बारह बटे एक, ग्यारह बटे एक। अब केवल एक को ही भाग देना था, समझ में आई बात बेटे? वो तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हम लोग चीजों को काम करते हैं। सवाल नंबर 83, यस 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 9 बटे 13, 17 बटे 26, 28 बटे 39 और भैया 33 बटे 52। अब बेटे दो तरीके, या तो भाग दे ले या तो तू हर बराबर कर ले। मुझे हर बराबर करने में फायदा लग रहा, क्यों लग रहा है हर बराबर करने में फायदा? 13, 26, 39, 52 ये सब एक ही पाढ़े में जा रहे, एक ही पाढ़े में जा रहे। अब जो 52 दूनी कितने हो? 104। अब कोई 52 चौका कर दो तो 39 चौका भी हो जाएगा, 39 ती हो जाएगा, ठीक है? नहीं कुछ मतलब इनका हम क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। किस किस का? 13 का, 26 का और 39 का और 52 का। तो मैंने देखा 13 ही कम, 13 13 दो 26, 13 दो 39, 13 चौका 52, 2 1 1 3 2, 2 1 1 3 1 3, 13 दो 26 दो 52 3 कितने हो गए? 158, 50 से 150, 156 सॉरी 156 बार बराबर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे 13, 13 दो 2 3 6, दो तीन छह दुनी बारह, बारह नंबर 108, ठीक। 26 13 दुनी 26, तीन दुनी 6, 17 छिक्का 102, 39 13 थी 39, दो दुनी 4, 28 चौका 25 चौका 100, तीन चौक 12 112, 33 सॉरी 52, 13 चौका 52, 33 थी। कौन सी बड़ी कौन सी छोटी आप बता सकते हो? जिसका अंश बड़ा हुआ बड़ी, जिसका अंश छोटा हुआ छोटी। छोटी तो यही होगी और बड़ी तो यह होगी। कोई दिक्कत लगी हो बता दीजिए। नौ सवाल नंबर 87, 87 नंबर क्वेश्चन, ये एक बटे चार तथा तीन बटे चार के मध्य, देखो थोड़ा सा क्लिष्ट सा क्वेश्चन है, एक बटे चार और तीन बटे चार के मध्य। ऑप्शन लिख लो, ए 9 बटे 40, 31 बटे 41, बी 13 बटे 50 और 264 बटे 350, सी 63 बटे 250 और भैया 187 बटे 250, डी 262 बटे 1000 और 752 बटे। अब मुझे एक तो बड़ी चार एक तो छोटी, तीन ऑप्शन, इसको देखूं इसको देखूं और इसको देखूं, एक सेकंड में बराबर हो रहे 250, 250 चौक हजार,
250 होती है 750, 250 चौक हजार, ठीक। यहां 250 चौक हजार और यहां 250 चौक हजार और यहां ऑलरेडी हजार है। पहले इन दो पर चर्चा करूंगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 24 = 25, 7 × 28 = 8 और 4 × 8 = 32 और 2 = 34 और 4 × 4 = 3 = 7, राइट। ये है उनने कहा इससे तो बड़ी हो, देखो 252 इससे बड़ी है कि नहीं है, उनने कहा इससे छोटी हो 748 इससे छोटी है कि नहीं है, तो दैट इज माई उत्तर। क्लियर होगी बात सर। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर 86 नंबर क्वेश्चन। पी बराबर 3/5, क्यू बराबर 7/9, आर बराबर 5 बेटे इनने क्या लगवा रखे है, असेंडिंग क्रम डिसेंडिंग क्रम में लगवा रखे, कुछ नहीं मान पा रहे, 3/2, 7/2, 5/2। भाई इसका मतलब सबसे बड़ी तो या, सबसे बड़ी तो या पी ग्रेटर देन किसते आर ते, ग्रेटर देन किसते क्यू ते, सॉरी यो क्यू है और यो क्या है पी। बस समझ में आई बात बेटे, ये तो ये पकड़ बैठ दो, छोटी बड़ी कौन सी, नंबर 90, चलो जो भी है, 90 नंबर बेटे मैं नहीं बताऊं इसे 90 को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा क्या, ए प्लस बी रे माइनस बी नहीं कर सकते क्या। सवाल नंबर 91, 91 भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं 91 पक्का। नेक्स्ट 95 बेटे ध्यान लगाओ, 2.3 × 2.3 × 2.3 − 1, 2.3 × 2.3 + 2.3 + 1 बेटे यू सवाल आपको डरन, क्योंकि हम एक ही पैटर्न पे चल रहे, हम एक ही बात सीखते रहे कि यहां तो रूल होगा, एक ही तीन तो लिख रही पर यहां एक ही तीन है नहीं, अरे भाई इसे तुम कई बार लिख लो, बी की तीन वाली भाई ए स्क्वायर लिख रहा कि नहीं, ले भाई बी स्क्वायर भी हो गया लेकिन ए भी नहीं लिख रहा, अरे एक की गुणा इसमें कर लो मान थोड़ी बदलेगा, बन गया कौन सा फार्मूला बन गया, ए की तीन माइनस बी की तीन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद है फार्मूला कर लो क्या है, अब लिख के दिखाऊं, चलो दिखाई देता हूं, ए की तीन माइनस बी की तीन बटे ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर, ए की तीन माइनस बी की तीन ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे, इस बात ये बात क्या हो जाएगी कैंसिल, तो 2.3 में से क्या घटाना, 1.3 इज द आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 सेम है क्या भाई, 94 102 में तो कुछ था ही नहीं, 101 क्यों नहीं पूछा, ए देखो 102 बता दू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कुछ हो क्या, हो बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू बटे ए प्लस बी, इस बात पे बात क्या होगी कैंसिल। 104 बताऊ, 104 भाई तुम खुद करो भाई, 104 को एक बार सब बाला कपड़ी काफी ना, हो गया 101 बेटे ध्यान लगा के देखो, नू लिख रहा था ए की तीन प्लस बी की तीन प्लस सी की तीन
माइनस थ्री ए बी सी। अगर इसके बारे में मुझे पता हो, नीचे लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर इसका रूल मुझे पता हो तो सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका रूल कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, देखिए इसके बराबर यह बात हो, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यार भैया इससे यह बात क्या हो जाएगी कैंसिल, ए का मान थारे धोरे बी का मान थारे धोरे, क्या ए बी सी का मान नहीं निकाल सकते? बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? क्लियर। 106 नंबर क्वेश्चन 106 भैया, 0.53 के ऊपर बार, 0.53 के ऊपर क्या याद है कुछ? क्या सिखा था? क्या करना? दोनों के लगा दो डेसिमल और बार, दोनों बात क्या बार। कोई दिक्कत लगी हो इस बात को सीखने में मुझसे आप पूछ सकते हैं बेटे। जहां देखो करने तो ही होगा काम, आप जाके घर पे अपने इनको रिवाइज